नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है, पहली ब्रेकिंग न्यूज कि सॉफ्टवेयर को उन्होंने अपडेट कर दिया। सॉफ्टवेयर मतलब रिजल्ट को एक बार फिर से अपडेट डीजीटी ने कर दिया है। ठीक है, तो अब जिनका रिजल्ट आ रहा होगा किसमें, उनके लॉगिन में, स्टूडेंट के लॉगिन प्रोफाइल में अब सही रिजल्ट आ रहा है, अब उसमें बदलाव नहीं होगा। तो यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। चलिए दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पे बताने के पहले एक चीज बता दूं इसी में कि हां, साइड ना चलना एक अलग चीज है, पोर्टल पर दबाव होना एक अलग चीज होती है, और सर्वर का जो आपका रिजल्ट है वो पूर्ण रूप से अपडेट हो गया है। जिसका जो भी आ रहा है उसमें अब बदलाव बहुत कम संभावना है। ठीक है ना, वो तो फिर जब शिकायत पे आएगा बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन बहुत सारी शिकायतों को उन्होंने दूर किया हुआ है। और लड़कों के जो है तो मेल पे दो दो तीन तीन बार जो गया हुआ है, तो किसी में पास थे, किसी में फेल थे, फिर किसी में अपडेट हो गया, कोई बोल रहा था दो नंबर बढ़ गए, कोई कह रहा चार नंबर बढ़ गए, कोई कहते पांच नंबर बढ़ गए। इसके कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं कि नंबर बड़े नहीं है आपके, आप एक्चुअल में उतना नंबर पाए हुए थे, लेकिन पहले डेटा डालने में दिक्कत खड़ी हुई है। और ऐसा अक्सर होता है कि जल्दीबाजी में किए गए काम का परिणाम ये होता है, उसको डीजीटी ने माना है, विधिवत माना है, और उसको उन्होंने सुधारा भी है 24 घंटे के अंदर, और 24 घंटे के अंदर सुधार करके आपको रिजल्ट दिया है, डाल दिए हैं, वो अपलोड हो गया है। अब वो सर्वर के रिस्पांस पर है कि सर्वर कितना रिस्पांस करता है, क्योंकि लड़के उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, आईटीआई उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, और खुद डीजीटी भी उस पे काम कर रही है। तो सर्वर का ना चलना एक अलग चीज है, जो अभी उस पे कमियां हैं उसको सुधारा जा रहा है, बट रिजल्ट आपका पूरा अपडेट हो गया है। ये आपका पहली न्यूज थी और इसका वो बता दिया हूं। दूसरी जो बड़ी न्यूज है कि बहुत सारे लड़के ये शिकायत कर रहे हैं कि इसको मैंने, जैसे अब दूसरी न्यूज बताने के पहले एक चीज और मैं आपको क्लेरिफिकेशन कर दूं। देखिए, आपके सवाल मैंने लिए थे, बहुत सारे सवाल, और उसको उठा करके चार पांच करके जवाब दिया था, क्योंकि शनिवार को भी छुट्टी, इतवार को छुट्टी, और सोमवार को आज जो है तो हमको, जब मैं सारी चीज़ें एक मेल के थ्रू करता हूं और अपने सूत्रों से लेता हूं, तो उसका एक सबूत और एक तथ्य होता है, उसके बगैर मैं काम नहीं करता हूं। तो वो जो चीज़ें आई आज, जो आई शाम को, तो मैं आपको वीडियो बना करके बता रहा हूं और मेल करूंगा मैं, चूँकि अब आज 15 अगस्त हो गई, तो 15 अगस्त के चक्कर में आज ऑफिस टोटली बंद रहेगी, तो अब 16 को जो भी चीज़ें होंगी तो वो 16 को होगी, ये पहले मैं बता दे रहा हूँ, है ना। ऑफिशियल आज कोई काम नहीं होगा 15 अगस्त के उसमें, ठीक है, जो भी काम होगा तो 16 तारीख को होगा, उन्होंने अपना काम कर दिया है, लेकिन TCS सॉरी विप्रो अपना काम करता ही रहेगी, सॉफ्टवेयर वाले अपना काम करते रहेंगे, उनके लिए 15 अगस्त, दिवाली, दशहरा कुछ नहीं होता है। तो ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लड़कों का कंप्लेन आया है। हमारी एक बहन है छत्तीसगढ़ से, वो कह रही थी कि सर, माने पढ़ने वाली लड़की है वो, है ना, और वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, तो बेचारी जो है तो गुस्से में थी, तो उसने मेरे से शिकायत करके अपना भड़ास निकाला, लेकिन जब मैंने प्रिंसिपल का नंबर लिया और मैंने कहा कि मैं उनसे बात करूँगा, तो उसको, उसने बेचारे ने सोचा, पहले तो गुस्से में थी, फिर बाद में उसने सोचा कि सर उसको कुछ न कराइएगा, उसकी भी हमारे जैसी फैमिली होगी तो दिक्कत आ जाएगी। आंसू आ गए, सही सच बताऊं, एक लड़की ऐसे बोल रही थी, उसके साथ अन्याय हो रहा था, आवाज़ उठा रही थी, लेकिन वो ऐसे शब्द बोली। ऐसे ही एक अमर पाठन की लड़की है जो स्टेनो की बैच की है, वो अपनी हक की लड़ाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी, मतलब कि अगर उसकी बस चले तो वो DGT के सर पे भी चली जाए, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एक उत्तर प्रदेश से ऐसे ही लड़की ने फ़ोन किया, एक बिहार के किया, झारखंड के किया, कई लड़कियां भी फ़ोन कर रही हैं। तो ये नहीं कि मैं लड़कियों का किस्सा बता रहा हूं, पर इसलिए कि लड़के ज़्यादा उतावले होते हैं, ज़्यादा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लड़कियों में भी ये हिम्मत आई है कि ITI टॉक शो से वो खुल करके बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सर मेरे कारण किसी को तकलीफ ना हो। तो मैं इन बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसी बहनें हैं, आप जैसी बेटियाँ हैं इस देश में,
आप जैसे लोग हैं इस समाज में तो ये समाज चल रहा है। हमसे जितना हो सकेगा, मैंने आपकी शिकायत देख ली है और मैं उस शिकायत को ऊपर भेज रहा हूँ, क्योंकि अब भेजूँगा उसको। अब आज मंगलवार है तो आप जानते हो 15 अगस्त है, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। जो भी होगा तो 16 तारीख को मैं भेजूँगा। मेरे से जितना बेहतर हो सकेगा मैं आपकी शिकायत को पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ें थी, इसको बताना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद एक चीज़ बता दूँ मैं कि बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि सर हमको जो है तो प्रैक्टिकल में नंबर कम दे दिया है जानबूझ करके। और तो देखिए, अब वो आईटीआई वाला जो मामला है ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो कितना नंबर दिया कितना नंबर नहीं दिया है। और अगर आपको पता होगा, पता नहीं आप लोग अभी से वीडियो मेरा देख रहे हैं, पहले से नहीं देख रहे हैं, मैंने बताया था कि इस बार आईटीआई के हाथ में जो है तो बहुत बड़ी चीज़ आ गई है कि अगर आप फीस नहीं दोगे तो या तो आप एब्सेंट होंगे या आप 00 होंगे या आपका नंबर चला जाएगा। तो उसके शिकार हुए लड़के, शिकार हुए, मान रहे हैं कि सर आपने कहा था, जो कहा था वो सच हुआ। तीसरी बात को लेकर के चल रहा हूँ कि एब्सेंट वाला मामला फिर से खड़ा हो गया है ना। अब एब्सेंट वाले मामले में एक लड़का आज मेरे से झगड़ गया है ना, दिमाग भी खराब कर दिया। बोला सर हमारे परिवार की है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सब कुछ है, उन्होंने जो है तो ये सब कुछ भेजा है। हमने कहा कि आईटीआई का नाम दे दो और नोडल का नाम दे दो, मैं अभी दो मिनट में पूछ करके मेरे को बताओ कि अटेंडेंस सीट कहाँ है। नहीं दे पाया लड़का, मैंने रात बीत गई, दिन बीत गया, नहीं दे पाया अटेंडेंस। तो आप अगर इस भरोसे में रहते हो कि एब्सेंट जो है तो डीजीटी के कारण लगा है, अगर डीजीटी के कारण एब्सेंट लगा है तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि मैं ठीक करवाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके नोडल और आईटीआई के द्वारा एब्सेंट हो, आपकी सीट अटेंडेंस या सारी चीज़ें नहीं भेजी गई हैं या अटेंडेंस नहीं लगा हुआ है, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये आप लिख के ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी करिए। आप ग्रीवांसेस खुलेगा, आप तैयार रहिए। ग्रीवांसेस खुलने के पहले पहले आप अगर अटेंडेंस सीट नहीं ले गए तो ले जा करके जमा करवा दीजिए, ठीक है। कहाँ? नोडल पर जमा करवा दीजिए कि जब ग्रीवांसेस खुले तो कम से कम आपका काम हो जाए। अदरवाइज आप ऐसे घर पे बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक लड़का हरियाणा का है और एक लड़की भी है, साथ दोनों एक बैच के हैं, इलेक्ट्रीशियन बैच के हैं। ये बोल रहे हैं कि सर हम शिकायत डीजीटी में अभी कर सकते हैं क्या, मेल कर सकते हैं? देखिए, डीजीटी को मेल करने के बजाय अभी आप शांति के साथ रहिए। जब तक ग्रीवांसेस नहीं खुलता है तब तक अभी आप बिल्कुल शांत से रहिए। अगर आप मेल करते भी हो तो आपके मेल का कोई जवाब या कोई रिस्पांस नहीं होगा। आपके पास रिजल्ट के बाद आपको एक चीज़ मिलता है ग्रीवांसेस करने के लिए, कि हम एक तरह से आप शिकायत करते हो कि ये ग्रीवांसेस में सर हम ये नंबर जो है तो हम कम पाए हैं, हमको इतना नंबर मिलना चाहिए, ये है फलाना है ठिकाना है, तो वो फिर उस चीज़ को देखा जाता है। जनरली मैं बता दूँ कि सीबीटी में बहुत कम नंबर बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में हो सकता है कि नंबर बढ़ सकता है, तो वो नंबर हो सकता है कि बढ़ जाए आपका। लेकिन अब वो वाली पहले वाली स्थिति नहीं हुई है, क्योंकि जो डीजीटी के अधिकारी जो बता रहे हैं कि हमने अपने तरफ से पूरा 100% एक्यूरेसी रखी है, मतलब 100% शुद्धता रखी है रिजल्ट में, तो इसलिए कोई चीज़ बढ़ने या घटने की कोई वो नहीं होती। यही जो सवाल थे आप लोगों को, इसी सवाल को मैंने आज उनसे पूछा था। मार्कशीट वाला तो मैंने बता ही दिया कि 17 सितंबर के पहले नहीं मिलेगा। कई लड़के बोल रहे हैं कि जॉब आई है, ये आई है, वो आई है, दुनिया भर की चीज़ें आई है, तो आप स्क्रीनशॉट से अपना रिजल्ट निकाल लो और उसको लगा दीजिएगा। बहुत होगा तो आईटीआई से एक एफिडेविट बनवा लीजिए, लेटर बनवा लीजिए, जहाँ कहीं जॉब निकल रही है तो वहाँ कर दीजिए। आपको मार्कशीट 17 सितंबर के पहले नहीं मिलेगी और वो मार्कशीट आपको आईटीआई में ही प्राप्त होगी। कई लड़के जो बेचारे फेल है वो बोल रहे हैं कि सर कि इसका सप्लीमेंट्री का बैक का कब पेपर होगा? देखिए, अभी तो रिजल्ट का चलने दीजिए आप, है ना, अभी तो रिजल्ट का माहौल चल रहा है। अभी तो एक हफ्ते तक गर्मा गर्मी रहेगी, 20 तारीख तक गर्मा गर्मी रहेगी। हालांकि मीटिंग 12 तारीख को हो गई इसके लेकर के, सप्लीमेंट्री की भी हो गई और उसका भी हो गया है, आपका लेफ्ट ओवर का भी हो गया है, सेमेस्टर का भी हो गया है, एनुअल का भी हो गया है। लेकिन अभी डीजीटी ओपन इसलिए नहीं कर रही कि आज एक दिन ही वर्क डे बचा है उनका, कल छुट्टी है। तो अभी सारा ध्यान वो किस पे रखे हुए हैं? सारा का सारा ध्यान अभी रिजल्ट पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। चूँकि उनको 17 तारीख को सर्टिफिकेट देना है इसलिए अभी उस पर कही है। 2-4-10 दिन के बाद मैं आपको न्यूज दूंगा, बता दूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए आप लोग घबराइए नहीं। एक चीज़ और कह रहा हूँ कि इतना जल्दी पैनिक नहीं होना चाहिए।
और इतना जल्दी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेकर के रिजल्ट आपका अपडेट हो गया है। DGT का आज ये कहना था, जब मैंने सवाल किया है उनसे 12 बजे के लगभग, मोती जी से बात किया मैंने और इसके बारे में सब बताया, बोले सर फॉर्मेटिव असेसमेंट एक गलती थी, एक मानवीय गलती थी, एक ऑपरेटर गलती थी, कोई इतना बड़ा गलती नहीं था कि जिसको बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाए। हाँ, लड़कों के साथ दिक्कत हुई, आई डू एग्री, मैं मानता हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने क्षमा मांगा, बोला नहीं सर, स्टूडेंट के साथ अगर कोई चीज़ें गलत होती है तो निश्चित गलत होती है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, आपका काम है न्यूज़ दिखाना है, आप न्यूज़ दिखाओगे, सच दिखाओगे। तो मैंने बोला कि सर क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो अब तक में हो गया, तो आज जो मतलब मैंने ये सोमवार को जो शो बन रहा है तो ये 9 बजे तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं 10 बजे के लगभग शूटिंग कर रहा हूँ, इसीलिए लेट नाइट शूटिंग कर रहा हूँ मैं। तब तक ये है कि सारे रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं। अब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में, बस ये ना समझ लीजिएगा कि DGT के कारण गलती हुई, कई गलती ITI के द्वारा भी हुई है, तो उस गलती का परिणाम आपको मिला है। ग्रीवांसेस जब होगा तो ग्रीवांसेस में ठीक हो जाएगा आपका, जब ग्रीवांसेस आएगा। लेकिन आप लोग अब जैसे सुबह आज रिजल्ट मैंने बोला था कि मंगलवार और बुधवार तक वेट करिए, तो बुधवार तक वेट करिए आप लोग। बुधवार तक इसलिए वेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बुधवार को मेरा जो कहने का मतलब था कि सर्वर जो है ना, जो अभी स्लो चल रहा है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा देगा, है ना। बहुत सारे लड़के निकाल लेंगे, बहुत सारे वो कर लेंगे। और एक चीज़ और आ रही है कि कोई भी लिंक बता रहा है, कोई कहीं से भी बता रहा है, कोई कहीं से बता रहा है। आप NCVT MIS portal.gov.in है जो, वहीं पे देखिए, बाकी जगह पे मत देखिएगा। ये आप लोगों को एक सरलता के साथ मैं बता रहा हूँ। एक और चीज़ बता रहा हूँ कि हमको फ़ोन करने के लिए आप 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, तभी तक करिए। फिर बाकी जो है ना, हमको भी जवाब देना पड़ता है, हमारे भी न्यूज़ बनती है, स्क्रिप्ट होता है, आपके फ़ोन भी उठाने होते हैं, रात को शूटिंग होती है। रात में तो बिल्कुल 6:30 बजे के बाद मैं उठा ही नहीं सकता हूँ किसी भी हालत में, आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग पूरी रात की परेशान थे, इसलिए मैंने 2-2 बजे रात तक उठाया आपका फ़ोन, सुबह भी उठाया, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा अपने साथ में कि ऐसी चीज़ें ना हो। तो आज जो मेरा कहने का था कि आपके सारे सवालों का जवाब इधर आ गया है। अब बहुत सारे लड़के, एक चीज़ और जो कॉमन है कि सर हम 24 नंबर पाए हैं, हम 23 नंबर पाए हैं, तो क्या नंबर अपडेट होगा? नहीं, नंबर अब अपडेट नहीं होने वाला है, फाइनल नंबर आ गया है आपके पास में। आप ये समझिए कि जब ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से रिस्पॉन्स करने लगेगा 2-3 दिन में, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बुधवार के जो रिजल्ट आप अपने लॉगिन पे देखोगे, वही रिजल्ट सही है और वही रिजल्ट आपका सही माना जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं माना जाने वाला है। इस पर विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचना जो कह रहे हैं कि अभी पास कर देंगे वो लोग, सबको पास करने में लगे हैं, ये जो अफवाहें फैल रही हैं ये आपके लिए तकलीफ देगी, बाकी किसी के लिए तकलीफ नहीं देगी। और अपने ITI से संपर्क बनाए रखिए। आप मेरे को व्हाट्सअप करने के बजाय, व्हाट्सअप इतने भर जाते हैं कि मैं नहीं देख पाता हूँ, आप सोचिए कि 3,000-4,000 व्हाट्सअप होना, फ़ोन का क्या हालत हो जाती होगी मेरे। आप बात करिए, मैं बात करता हूँ, मैं खुद लगाता हूँ, अगर मैंने नहीं उठाया, खाना भी खा रहा हूँगा, सो भी रहा हूँगा, थोड़ा आराम भी कर रहा हूँगा, है ना, नहा भी रहा हूँगा, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उस समय पर नहीं उठा फ़ोन, लेकिन फ़ोन करिए, फ़ोन पे मैं आपको सब जवाब दे रहा हूँ। लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, किसी से भी अभी लड़ने झगड़िए नहीं। मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ कि 72 घंटे लगते हैं, 72 घंटे के बाद सर्वर अपने जो है तो स्पीड दायरे पे आ जाता है, इसके बाद सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप समझिए, आपके ऊपर लगा हुआ हूँ। और ये अभी छुट्टी अब आ गई, शनिवार इतवार, फिर एक दिन वर्किंग डे सोमवार आया, फिर मंगलवार को 15 अगस्त है, तो जो भी कार्रवाई अब होगी तो 16 तारीख से होगी, और 16 तारीख से आपके जो है तो मैं अपडेशन आपको देता रहूँगा। अभी कहीं भी ग्रीवांसेस करने, ग्रीवांसेस अभी खुलेगा नहीं, ग्रीवांसेस जैसे रिजल्ट का पूरा हो जाता है तो आपको बताया जाएगा, ग्रीवांसेस खुलेगा, ग्रीवांसेस ज़रूर डालिएगा। ग्रीवांसेस में गलत फहमी जो लोग फैला रहे हैं उसको बिल्कुल भी मत मानिए। ग्रीवांसेस भी डलवाऊंगा और आपको एक जगह और पोर्टल पे शिकायत भी करवाऊंगा जहां से आपका रिजल्ट अपडेट होगा, अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो। बस इतना ही ध्यान रखिए, आगे जो है तो फिर आऊँगा, तो फिर किसी मुद्दे पे बात करूँगा। और उनको लेफ्ट ओवर वालों को बोल रहा हूँ कि भैया ऐसा नहीं है, अभी तक आपके ही मुद्दे उठे हैं, है ना,
आपके चाहे लेफ्टओवर हो, चाहे सेमेस्टर हो, चाहे एनुअल हो, देख लीजिए लगातार मैंने डेटा सहित भेजा है और उन्होंने इसको माना है कि अब हर एक आदमी कितने लोग हैं, अब रिजल्ट बन रहा है तो रिजल्ट ही बनेगा। देखिए ये रेगुलर लड़के हैं, इनके साथ डीजीटी नाइंसाफी नहीं करेगी। अब आपका तो रुका हुआ है, अब रिजल्ट, अब सिर्फ एग्जाम करने की घोषणा करनी है उनको, बस हो गया। तो एग्जाम होगा, लेफ्टओवर वालों का भी होगा, उनका भी होगा। बहुत सारे लड़कों ने बोला है कि सर हमारी फीस जमा है लेकिन हमको एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। वो सब चीज़ें रख रहा हूँ मैं आपकी 16 तारीख से, मैं उस चीज़ को रखूँगा। क्योंकि देखिए अभी ले करके रखने का कोई मतलब नहीं है जब तक ऑफिस ना खुले तो। तो कल तो ऑफिस नहीं खुलेगी, परसों मैं सारी चीज़ें जो भी आज आप लोगों ने कमेंट किया है, 14 को कमेंट किया है, 15 को जो कमेंट करेंगे वो 16 को हम जो है तो वो करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सवाल मेरे से पूछने के बजाय जो है ना तो डीजीटी से सवाल रखिएगा अपनी चीज़ें, ताकि मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सबूत के रूप में उनसे पूछूं, तभी चीज़ें होती है, बिना सबूत के कोई चीज़ें नहीं होती। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक्स को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसी आपकी मर्जी लगे वैसे करिए आप। और हाँ, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनेंगे, ठीक है। और 15 अगस्त है तो 15 अगस्त की बहुत सारी बधाई, और थोड़ा सा झंडे और गरीब बच्चों को हो सकेगा ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो तिरंगे मत दीजिएगा। और तिरंगे सड़क पे जो है तो गिरा देते हैं, जो ज़मीन पे अपने पाँव में लगता है, देखिएगा कि कोई तिरंगा अगर ऐसा उठा रहा है तो कर दीजिएगा। किसी घर में कुछ सोचिएगा थोड़ा सा कि समोसे और जलेबी ज़रूर बांटिएगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT, ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।